अरे चिंटू, संभाल के लग जाती ना अभी। और 100 बार बोला है ये जूते ढंग से बाहर रखा कर। अगली बार से अगर ऐसा रहा ना तो पापा से बोल के टीवी बंद करा दूंगी तेरा। यार क्या है दादी, अभी तो स्कूल से आया हूँ, आते ही शुरू हो गई। आजकल के बच्चे में दम कर रखी है, बिल्कुल सुनते भी नहीं है किसी की। दादी, हाँ आपने मेरा पुराना बैग कहीं देखा है क्या? कल शायद मम्मी ने यही रखा था। अच्छा, वो ब्राउन कलर का बैग, वो तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले कबाड़ी वाले को दे दिया। अरे क्या, किससे पूछ के बताओ आप ये सब? पुराना हो गया था बहुत। अच्छा सॉरी सॉरी। अच्छा जा, चले जा, भी नुक्कड़ पर ही होगा। ले 50 रुपए ले और ले उससे अपना बैग। अरे पूछ जल्दी उनसे कहाँ है, मेरे ऑफिस का टाइम होने को आया इधर। खुद पूछ लो ना, मैं नहीं पूछूंगा। एक तो अभी अभी स्टेबल हुआ है, डॉक्टर ने भी बोला है आराम करने को। अरे भगवान ना करे, कल को टपक गया तेरा बाप, फिर क्या करेगी? ऐसा मत बोलो, 1000 बार समझाया तुम्हें। हाँ ये बराबर है, बच्चों का पेट भी मैं ही भरू, कर्जा भी मैं ही लू और चुप भी मैं ही रहू। पूछती हूँ रुको। बाबा, वो पुरानी अलमारी में जो डब्बा है उसमें क्या है? अलमारी की चाबी दे दो ना एक बार। नहीं कुछ नहीं है उसमें, कहा ना एक बार। अरे वो सुनते ही नहीं है, उनकी शांति के लिए एक बार दिखा दो ना। अपने पति को बोल, इतना फोकट का टाइम है ना, काम में लगावे। याद है बचपन में एक बार तूने जिद की थी वो अलमारी खोलने का, कितना डांटा था मैंने तुझे। क्या बोला बुड्ढा? नहीं मान रहे वो, जाओ देना। अरे ऐसा कैसा? अरे कुछ नहीं होगा उसमें, सरकारी नौकर थे वो सारी उम्र, एक गुड़िया दिलाने के लिए महीनों लगाने वाला आदमी क्या ही रखेगा अपने पास। अरे ऐसे कैसे छोड़ दूँ सुषमा, उसमें जेवर होंगे जरूर, कर्जे की डेट पास आ रही है, अगर वो जेवर मिल गए ना सुषमा, उस साले रुस्तम भाई का कर्जा एक बारी में चुका देंगे। कोई जेवर नहीं होंगे उसमें, तुम मानते क्यों नहीं हो? ऑफिस का टाइम हो रहा है ना, जाओ अब तुम। अरे ए बुड्ढे, दादी